भाई तुम एक बार लोकेशन व्यू चेक करो। 1 2 3 तो अभी हम लोग ने डिसीजन लिया है कि सामान को नीचे से ऊपर ऊपर करना है। ज्यादा सुंदर है। तब उन दोनों की बारी, वो लोग भी सेम वैसे ही कर रहे हैं। देखो तुम सब लोग, आई होप तुम सब लोग अच्छे होंगे। सो फाइनली बहुत टाइम के बाद में एक नया व्लॉग लेके मैं आ चुका तुम लोग के पास में। एंड फिलहाल यहाँ से एक बार व्यू देखो तुम लोग, एंड वो ज्ञान एकेडमी है यहाँ वाला। मैं असम वाला में पढ़ता हूँ और ये यहाँ वाला। तो हाँ, आज का ये ब्लॉग एक इंटरेस्टिंग ब्लॉग होने वाला है। क्यों? क्योंकि हम लोग एक नया एक प्लेस एक्सप्लोर करने वाले हैं। एंड फिलहाल मैं हूँ मेरे फ्रेंड के घर पे, यहाँ पे मैं बालकनी में बैठ कर ब्लॉग कर रहा था। और ये तो आज मैं, ये और एक दोस्त है नरेश, तो हम तीनों जाने वाले हैं एंड बाइक में जाने वाले हैं। ठीक है, अभी सबसे पहले ये लोग यहाँ से रेडी होते हैं। हाँ तो रेडी होते हैं, ये लोग को रेडी होना है। सुंदर आ रहे हैं तुम, हैंडसम आ रहे हैं। तो ये फटाफट से ये लोग रेडी होते हैं एंड उसके बाद चलते हैं गैराज। एंड गैराज जाने के बाद में बाइक को ठीक करवाना है एंड उसके बाद में निकलते हैं। बाकी वैसे आज कहाँ जा रहा है बताओ तो? हाँ, कहाँ जा रहा है वो हमको भी नहीं पता, बस इसको पता है। हमारा डेस्टिनेशन है बहुत ही सुंदर जगह। जोर से बोलो ना। बहुत ही सुंदर जगह जा रहे हैं हम, धोनी पोल वाटर पोल। आपको दिखाएंगे हम, दो दो झरना है उसमें बड़ा बड़ा, बहुत ही सुंदर। तो चलो तुम लोग देखो ब्लॉग को और अगर पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब सब कर दो। ओके, सो फाइनली अब हम लोग निकल चुके हैं। तो बहुत बहुत ज़्यादा लेट हो गया हम लोगों को निकलते निकलते हैं, क्योंकि हम लोग के फ्रेंड के लिए वेट कर रहे थे। हम लोग टोटल जा रहे हैं 5 लोग, ठीक है, वो पीछे में है बाकी लोग। तो अभी हम लोग पेट्रोल पंप पे रुके थे, पेट्रोल पंप पे हमने तेल भरवा लिया एंड अभी निकल रहे हैं। तो गाइस अभी हम लोग इधर पे रुके सामान लेने, पेप्सी वगैरह जूस वगैरह, वहाँ जाके बैठेंगे, खाएंगे, पियेंगे, पार्टी करेंगे थोड़ा सा। फर्स्ट टाइम मेरा व्लॉग में आके कैसे लग रहा है? मजा लग रहा है। और गाइस ये हमारा अरुणाचल का बीसी है। सॉरी देखो ना इधर शर्म कर रहा है क्या? देखो ना, जहनम का रास्ता जा रहे। तो फाइनली हम लोग पहुंचने वाले और कुछ दूर, अभी यहाँ से पूरा ऑफ रोडिंग स्टार्ट हो गया। अब यहाँ से पूरा का पूरा ऑफ रोडिंग है। और यहाँ से और कितना दूर है? थोड़ा ये ऊपर तक, फिर उसके बाद उधर बाइक रख के फिर थोड़ा पैदल मारना पड़ेगा। फिर उसके बाद में पैदल मारने के बाद में फिर हम लोग जहाँ जाएंगे वहाँ पे कितना वाटरफॉल है? 2 वाटरफॉल है ना वहाँ पे। वाटरफॉल तो है, उसको जब भी देखेंगे। ओ ये क्या, धोनी पोल फॉल। ओके, तो अभी कितना दूर है? तो तू तो हमको हमेशा झूठ बोलता है ना। सामने है, सामने 1 किलोमीटर। सच बोलो तो कितना दूर है? 1 किलोमीटर। तो ये जो बोला अभी सामने है, ज्यादा दूर नहीं है। अरे ये रास्ता पार में ये आगे तक नहीं। ओए एक बार हम लोग उधर में गया था ना, गंगा बस्ती वाला, तुम था उस टाइम में, तब भी ये बोला था ना सामने सामने, ज्यादा दूर नहीं है। आराम से। एंड यहाँ पे अभी रास्ता बन रहा है, डायरेक्ट वाटरफॉल तक रास्ता बन रहा है यहाँ। ओए जब यहाँ पे रास्ता बन जाएगा तब तो पूरा गाड़ी सारी आ सकेगा होगा ना, तब टिकट भी लेगा। अभी तो टिकट विकेट कुछ नहीं। चलो अभी तुम लोग देखो सिनेमैटिक्स, देखो एंजॉय करो
अभी कितना तुम लोगों को ये सब दिखाऊंगा। बाकी कुछ फनीस्ट पार्ट अगर वीडियो हमने ले लिया किसी का फनीस्ट पार्ट तो वो तुम सबको दिखाऊंगा। बाकी ब्लॉग को देखो और इंजॉय करो। सजना जी तेरे बिना जिया लागे ना, हम रब से मांगे तुझे और कुछ मांगे ना, लकीर साथ मांगे थोड़ा चल लेगा पागल हो गया। साजन बिन सजनी चांद बिन चांदनी नी, हाय सजना जी मैंने चट के नहीं जाना बिना तेरे मैंने मिल की सजा। क्या बोले मेरा कितनी दर्द देने शुरू हो गया अभी। कितनी दर्द दे रहे बेटा? मेरा ना ऐसे हो गया कि पाव मसल इतना तान हो गया कि अभी एक गच्चीलू को एक ठीक नहीं गिराएगा। कृष्णा रोनाल्डो। सो गाइस चल चल के चल चल के पैर पूरा दुख गया अभी तो। भाई तुम एक बार लोकेशन व्यू चेक करो। ओए भाई यहाँ पे अगर आराम से चला तो ही बचोगे। ओए रुको ओए रुको, हम मारेगा तो पेप्सी पीने नहीं मिलेगा। लेकिन ला तुमको तो लाल चाय भी नहीं पिलाएगा। देख सकते हैं इस पानी को आप पी सकते हैं। बारिश समय को बीच बीच के मगर भी तीखे झरना में ना आए। अरे वाह वाह खाना पानी कहाँ से मिलता होगा ना? खेती तो खेती से हो जाता होगा शायद। किसी दिन मीट मछली खाने का मन किया तो खुद का मुर्गी होता है। हाँ तो ना मेन। सो गाइस ये रहा रेस्ट पॉइंट। अब यहाँ पे थोड़ा सा रेस्ट करते हैं। करेगा कि नहीं रेस्ट? ओए रेस्ट करेगा प्लीज ना, पूरा पाव दुख गया चलने का लायक में नहीं। अब हम इतना अप था ना रास्ता, समझ में नहीं आया क्या करूँ कैसे करूँ। तो चलो अभी थोड़ा सा रेस्ट करता हूँ ना, उसके बाद मिलता हूँ आप लोग से। बाकी ये है हमारा रेस्ट पॉइंट। गाइस अभी रास्ता देखो तुम लोग, ये अभी पूरा ऑफ रोडिंग। ये है पार्कर पार्कर फोंग फोंग। नहीं हो यार ये नदी में मछली नहीं। देखो पानी कितना साफ है। गाइस अभी यहाँ पे देखो इतना अंदर अंदर भी मतलब घर है किसी का। ये शायद टूरिस्ट के लिए बनाया था शायद से, हो सकता है। और हाँ बाकी ये भी व्लॉग कर रहा है मेरे लिए, तो इसका वाला पार्ट भी सब कुछ मेरे इसी वीडियो में दिखेगा। बाथरूम बहुत ये रहा बाथरूम, पता नहीं किसका। गाइस इतना ज्यादा ने मतलब चल के आने के लिए भी रास्ता नहीं पता है ऐसा रास्ता। और यहाँ पे देखो टाइल्स वगैरह बाथरूम वगैरह सब है, कैसे है पता नहीं।
तो फिलहाल अब और ज़्यादा दूर नहीं है, बस पहुँच के एंड बाकी हाँ मेरे लिए वो भी ब्लॉग मेरे लिए वो ब्लॉग कर दे रहा है, तो उसका वाला पार्ट भी मेरे पे मिल जाए। ओए नरेश के लिए रुको ना, यहाँ पे भी घर है, पता नहीं इतना अंदर घर मतलब कैसे बना अब तक समझ नहीं आया, बाकी पता नहीं ये व्लॉग में कैसे बनाऊँ, बहुत टाइम के बाद बनाऊँ सो थोड़ा सा अंदर। ओ भाई अब वो उधर बाथरूम में, तो अभी वो देखो तुम सब आज वाटर टेस्ट भी कर लेंगे फ़ोन का, पानी के अंदर डुबा डुबा कर शॉर्ट्स लेंगे ठीक है। तो बाकी बोरा वो मेरे लिए व्लॉग कर रहा है, तो उसका वाला पार्ट भी सब मैं अपने व्लॉग। हाँ एक बात तुम सबको बता दूँ कि व्लॉग को प्लीज़ पूरा एंड तक देखना ठीक है, क्योंकि मैं मानता हूँ लंबा हो जाएगा व्लॉग, 15-20-25 मिनट का मैक्सिमम 25 मिनट का कर दूँगा मैं, एंड उसके बाद में 25 मिनट का ब्लॉग कर दूँगा, मतलब जितना कम कर सकूँ उतना करने की कोशिश होगा। वीडियो को प्लीज़ पूरा देखना है, एंड तक देखना बिना स्किप करके, ये बहुत अमेजिंग पार्ट्स हैं। क्या रेम्बो ओ भाई गाइस दिख रहा है कि नहीं, यहाँ से नहीं दिख रहा, अब तुम लोगों को मैं सामने से दिखाता हूँ। तुम लोग एक बार ये चेक करो, और वहाँ पे रेनबो दिख रहा है तुम लोगों को, वहाँ पर दिख रहा है कि नहीं पता नहीं, यहाँ से भी कुछ सिनेमैटिक्स ले लेता हूँ, सब कुछ मिक्स करके तुम सबको दिखाऊं। ओए और भी आगे जाएगा क्या, नहीं इधर ही रुकेगा, नहीं ऊपर कैसे जाएगा, ऊपर थोड़ा सा ही ऊपर है, इतना ऊपर में लगा सिंपल था, फुटा दिया था सामान वो साइड। ए भाई यार देखो, बहुत स्लीप है यार, देखो ओए बहुत स्लीप है रे, टल 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 पकड़ो ना, अंगूर पकड़ो ना, काम जा रहे इसको, ओए आराम से सामने पकड़ो ऊपर ला, झरना को एक्सप्लोर करने जाएगा ये, तो नीचे ला झरना है ऊपर को एक्सप्लोर कर रहे, पकड़ो ना पकड़ दो ना, तुम बहुत स्लीप है तो यहाँ पर देखो पूरा पसीना पसीना, इसका रास्ता देखो बहुत ही तकलीफ है, डायरेक्ट शॉक में ना बोल गॉड स्लिप लग रहा, मेरा चप्पल तो ग्रिप ही नहीं मिल रहा है, ऊपर आदमी की है क्यों यार, पूरा सरक सरक हो रहा है, कैसे आया बस हम ही जानता है वो भाई, यहाँ से एक बार व्यू चेक करो तुम, तुमको हमेशा ऐसे ही करता है, थोड़ा सा बोल बोल के इतना अंदर लेके आ जाएगा, कौन सा ओ वहां पे भी एक वाटरफॉल है भाई, पता है ऊपर उठते वक्त कैसे उठा, मतलब जब उतरूंगा ना वापस नामूंगा तो फिर हालत टाइट होने वाला फिर तुम, और सॉक्स के वजह से तो पूरा स्लिप कर रहा था, भाई पता नहीं तुम लोगों को ब्लॉग कैसा लग रहा है, पर स्पेशली मैं यहाँ आया हूँ ब्लॉग के लिए आया हूँ ठीक है, कि मैंने बहुत टाइम से कुछ ब्लॉग अपलोड नहीं किया, और तुम लोगों को एक्सप्लोरिंग वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद लगती है, ऐसा पता है तुम लोगों को चैलेंजिंग चांदनी के साथ वो भी अच्छा लगता है, वो भी लाएंगे बहुत जल्दी, एक बार मैं असम वापस चले जाओ फिर तुम लोगों को मैं दिखाता हूँ चैलेंजिंग वाले व्लॉग्स प्रैंक्स वगैरह ठीक है। अभी फ़िलहाल मैं हूँ अरुणाचल ईटानगर, तो कुछ कुछ जगह एक्सप्लोर करेंगे एंड वो सब तुम सबको दिखाऊंगा मैं, बाकी मैं हाँ पूरा पूरा थक गया भाई, मैं इतना कभी चला नहीं, हाथ दुख गया मेरा, बस तुम लोगों के लिए मैं कर रहा हूँ ये, वरना आने का मेरा कोई प्लान नहीं था, ना मेरे को घूमने का कोई इतना ज़्यादा शौक नहीं है, बस तुम लोगों के लिए कर रहा हूँ मैं ये,
तो चलो और तुम लोग देखो आपको और देखिएगा देखिएगा मिले गाइस ये रहा नाव किसका बताने इसको मैं घर ले जाऊंगा और यहाँ पे इंडिया का फ्लैग ऐसा फेंका हुआ है पर ऐसे से इतना नहीं चाहिए भाई तुम ये चेक करो इतना ज्यादा सेक्सी है और यहाँ के भी कुछ सिनेमैटिक देखो तुम सब सजना जी मैंनु छड़ के नहीं जाना कदी झूठे वादे सही दिल से निभाना कदी लंबी रातें सही ख्वाब तो दिखाना कदी मैं हूँ तारा तेरा चांद बन जाना कदी परदेसी तेनु जरा जिस्म का सूं हम लोग अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं और यहाँ पे ये एक दोस्त है ये एक है मैं हूँ और दो दोस्त है वो लोग नीचे गए संभाल लेने क्योंकि यहाँ पे दो वाटरफॉल है ठीक है एंड दो में से ये ऊपर वाला और वो नीचे वाला तो ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है एज कम्पेयर टू वो नीचे वाले से एंड एक बार तुम चेक करो ये तो बाकी कुछ सिनेमैटिक्स है तुम सबको दिखाने के लिए कर रहा था तो वो सब तुम लोगों को पसंद आया कि नहीं वो तो पता नहीं बट हाँ मैं जितना मतलब जितना बोलता हूँ उतना मेरे को लगता है कि तुम लोग देखोगे नहीं बोर हो जाओगे तो इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि जितना हो सके उतना सिनेमैटिक्स तुम सबको दूँ अगर तुम लोग चाहते हो कि सिनेमैटिक ज़्यादा नहीं देने के लिए तो तुम सब मेरे को कमेंट कर सकते हो कि सिनेमैटिक ज़्यादा मत दो एंड वीडियो में ज़्यादातर चीज़ें बोल कर शो करो ऐसा तुम लोग अगर कमेंट करोगे तो नेक्स्ट टाइम से मैं वीडियो पे जितने भी चीज़ें हो मैं बोल कर तुम सबको दिखाऊंगा सिनेमैटिक्स भी दिखाऊंगा बट सिनेमैटिक एज कम्पेयर अभी जितना करता हूँ उतना नहीं करने वाला ठीक है तो अभी भी कुछ सिनेमैटिक्स ले लेता हूँ यहाँ पे बैठे बैठे एंड वो सब तुम लोग देखो चेक करो एंड लाइक कमेंट सब कर देना एंड हाँ कुछ अंडर वाटर शॉट्स भी लेंगे आज मजे से तुम लोग इधर पानी को देखो कितना ज़्यादा क्लियर है क्लियर एक बार पानी अंदर डुबा देगा हाँ हम आया मम्मी वो बोल रहा था मैं कि इसको पानी में लहरा के देखते हैं तुम ऊपर का खोल दिया ना उसका वो धारा में ही गला कश्मीर कश्मीर से आ रहा है काम काम नहीं है बोट का चेड़ता नहीं होता बोट के नाम पे डब्बा बाकी दो दोस्त वहाँ गए थे कुछ सामान लेने के लिए जो नीचे वाले झरना पर रखा था पता नहीं अभी तक नहीं आया होगा तो चलो उनका वेट करते हैं उसके बाद में मिलते हैं देख सकते हैं सबको देखो वहाँ है क्या है और हम लोग तीनों इधर वो तो एक गिर गया बेचारा भाई मेरे को तो थोड़ा ठंडा लग रहा था मतलब आते वक्त बहुत ज़्यादा गर्म लग रहा था अभी ये आते वक्त बहुत ज़्यादा गर्म लग रहा था अब पता नहीं बहुत ज़्यादा ठंडा लग रहा है बाकी इधर गाना वगैरह बज रहा है कॉपीराइट नहीं आना चाहिए बस भाई क्या करूँ समझ नहीं आ रहा कि मैं इसके साथ जाके बैठता हूँ जिस्म का शोक नहीं दिल दीवाने तेनो बेवफा का रोग नहीं कुड़ियों दा मेला कुड़ी नाल तेरी मौज नहीं तू ही है रब तुझे रब की कोई खोज नहीं जान मेरी जानी पर जानी मैनू छड़ना नहीं आनी तेरी याद हर दफा कौन समझ आए जब टूट जाए साए हाय रब जब हो वही वार्म अप चल रहा है सबका अब सब जाएंगे सजना जी तेरे बिना जी लागे ना हम रब से मांगे तुझे और कुछ मांगे ना लकीर साथ मांगे गेरो का रंग भावे ना किस्मत मंजूरी ना दे तू ही मन को भावे ना परदेसी बिना तेरे शहर की गलियां सुनी होली में रंग नहीं ईदी में भी चांदनी नहीं कहने को मीना ये मोहब्बत वाला झूठा है साजन बिन सजनी चांद बिन चांदनी नहीं हाय सजना जी मैंनु छड़ के नहीं जाना बिना तेरे मैंनु मिल भी सजा हाय सजना जी मैंनु वहां भी जो भर लूं मैं होना कभी मुझे दोनों की बारी वो लोग भी सेम ऐसे ही कर रहे हैं देखो
सजना जी मैनू छड़ के नहीं जाना कभी, झूठे वादे सही दिल से निभाना कभी, इतना हिम्मत रहना चाहिए। तो बाकी अभी इधर पे आग जला रहे हैं, सबको ठंडा लग रहा है। तो अभी फोन पे बैटरी भी नहीं है, 37% है। तो यहाँ पे आग जल रहा है, तो कुछ देर के बाद अभी अंडर वाटर शॉट लेंगे हम लोग वहाँ पे, अंडर वाटर शॉट लेंगे एंड वही लास्ट शॉट होगा एंड उसके बाद वीडियो को एंड कर दूंगा। तो सीधा घर जाके यही पे एंड कर दूंगा एंड घर जाके सीधा एडिट करके कल तक ब्लॉग अपलोड भी कर दूंगा। वाह, फैमिली पैक। और ये अपना आपको क्या समझता है बता था, बाल बांध देने से क्या? तो चलो मिलता हूँ आदमी के सामने थोड़ा सा। तो अभी यहाँ में पूरा नहा हुआ क्या, अभी हम यहाँ पर आग 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 ताप रहे, आप आग से रहा है। रुको, तो अभी हम लोग यहाँ पर सब नहा कर और आग सेक रहे, बहुत ही ठंडा है, पूरा ठंडा हो गया। तो इस चैनल को डार्क सोल के चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। तो मिलते हैं और ऐसे इंटरेस्टिंग ब्लॉग के लिए कमेंट करो। हाँ, अभी खाना कदी मैं हूँ तारा तेरा जान बन जाना। देख सकते हैं कपड़ा चेंज कर रहा है पत्थर के पीछे बहुत ही बड़ा कांड हो रहा है। बाबा एक बार आए बोलो। बिहाइंड द सीन आग पूरा जंग चेंज करके आ गया